नक्स में एक सवाल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी, इसे कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। सिंस आंसर लिख रहे हैं हम, सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ जीरो दिया हुआ है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सिंस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस थ्री ए बी सी को सब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, थ्री ए बी सी प्लस में हो जाएगी। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन होगा, पहले इसे समझिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो प्रूफ दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी। आप जानते हो एक फार्मूला हम लिखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया हुआ है जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी के बदले में जीरो रखेंगे इंटू ये उतार दिए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जीरो को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगी, मैंने जब जीरो आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो आया, सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी होगा, माइनस थ्री ए बी सी को इस तरफ ले गए, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्रूफ दैट दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी। अगेन देखेंगे, सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर लिखेंगे यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बदले में लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी कर जाएंगे बी सी कर जाएंगे सी ए कर जाएंगे बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस थ्री ए बी सी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ। फिर इस सवाल को समझें, कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अथवा दिया रह सकता है ए इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो प्रूफ दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी। दोनों बात एक ही है, कैसे बनाएंगे इसे, सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बदले में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कट जाएगा बी सी कट जाएंगे सी ए कट जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होगा, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो, हेंस ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखें जियो मीट पर मेरा लाइव क्लास चल रहा है, टाइम है 3:50 से 4:40, जो आदमी चाहते हों जो हम ज्वाइन करें तो वह फ़ोन पर संपर्क करेंगे, फ़ोन नंबर है पर आप मोबाइल नंबर पर
आप संपर्क करके उनका पासवर्ड ले लेंगे। ठीक है, ये लाइव क्लासेस चलेगी जो टाइम 3:50 से 3:50 to 4:40 है। धन्यवाद।